यह श्रृंखला दो मुख्य रूप से सृष्टि समय चक्र पर केंद्रित है। श्रृंखला एक की पहली 10 कड़ियों में हम इन 6 रंगों को उपयुक्त प्रवाह में स्थापित करते आए हैं। अतः अब से इन 6 रंगों का उपयोग शब्दों का गुह्य अर्थ उभारने के लिए स्थायी रूप से प्रत्येक कड़ी एवं श्रृंखला में करते रहेंगे। अतः दर्शक कृपया इन रंगों की परिभाषा स्मरण में रखें। श्रृंखला दो की इस चौथी कड़ी में ऋग्वेद और मनुस्मृति के कुछ श्लोक प्रस्तुत हैं, जिन्हें हमने इनके स्रोत से डायरेक्ट अंग्रेजी में ही यहाँ पर दिखाया है। इन श्लोकों में वृत्ताकार में रेखांकित शब्दों एवं हमारे अंकित स्थायी रंग स्पष्ट करते हैं कि एक अद्वैत देवता धर्म का स्वर्ग रूपी दिन और 7 द्वैत अधर्मों का नरक रूपी रात्रि की अवधि समान है। सभी रेखांकित शब्द दो अर्ध का जोड़ा इंगित करते हैं। यदि दर्शक इन श्लोकों को अधिक समझने में रुचि रखते हैं तो कृपया श्रृंखला तीन देखें। श्रृंखला तीन में यहूदी तनख के संदर्भों को समझने पर दर्शक जानेंगे कि तनख में वही शब्दों का प्रयोग किया गया है जो इन ऋग्वेद श्लोकों में उपयोगित हैं। ऋग्वेद के इन श्लोकों के संपूर्ण अर्थ को श्रृंखला तीन को देखकर सरलता से समझा जा सकता है। मनुस्मृति के प्रमाण। मनुस्मृति के इन 2 श्लोकों में रेखांकित शब्दों के द्वारा ज्ञात होता है कि सृष्टि समय चक्र 2 अर्धयुगलों रूपी दिवस एवं रात्रि या स्वर्ग और नरक का जोड़ा है। क्योंकि यह 2 ही श्लोक हैं, हमने प्रयत्न किया है इनको हिंदी में अनुवाद करने का, ताकि 2 मुख्य शब्द अंड एवं परिवत्सर की समझानी दे सकें। इस 12वें श्लोक में अंग्रेजी में भगवान शब्द का अनुवाद डिवाइन किया गया है, जिसका अर्थ देव है। और देव तो कई हैं, किंतु भगवान और भगवान समान एक ही है। भगवान शब्द का एक ही अन्य सही शब्द है तनख में उल्लिखित एलोहिम, और सभी अन्य इब्राहिमी ग्रंथ से जन्मे ग्रंथ जैसे कि बाइबल और कुरान में भगवान के लिए उपयोग किए गए शब्द संपूर्णतया असत्य अर्थ वाले और परिवर्तित किए गए हैं। इस विषय के संपूर्ण विवरण एवं प्रमाण श्रृंखला तीन में देखें। अब चलिए देखते हैं श्लोक में दिए परिवत्सर शब्द का अर्थ, जिसका अनुवाद एक पूरा वर्ष किया गया है जो कि असत्य है। परिवत्सरम 3 शब्दों का मिलित शब्द है। वे 3 शब्द हैं परि, वत् एवं सरा। परि का अर्थ संपूर्ण वृत्त है या संपूर्ण चक्र, वत् का अर्थ है घेरा और सर का अर्थ है तरल, नदी, भेदक या सदा चलायमान। सरस्वत और सरस्वती या फिर इवरानी शब्द इज़राइल, इन सभी शब्दों का मूल संस्कृत शब्द सर है। अतः इस 12वें श्लोक का अनुवाद होगा, भगवान ने अंडे माने ब्रह्मांड रूपी दैहिक अंडा में आश्रय ले परिवत सरम माने ज्ञान सूर्य द्वारा संपूर्ण सृष्टि चक्र के ज्ञान जल को बुद्धि में मंथन कर समझ कर अपने ध्यान माने मनन चिंतन मंथन से 2 भाग किए, देवलोक और असुरलोक। 13वें श्लोक का अर्थ यह है, उन दोनों अर्ध भागों से स्वर्ग और पृथ्वी बनाया और बीच में व्योम या अंतरिक्ष और 8ों दिशा माने अष्ट देव और जल का शाश्वत दैहिक स्थान बनाया। वत्सर कलयुगांत और सतयुगादि के संगम की अवधि है, जब धर्म का रहस्यात्मक राजविद्या नामक आध्यात्म ज्ञान, जिसे ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, ब्रह्म ज्ञान रूपी गंगा अर्जुन के बुद्धि रूपी जटाओं से बहती है, जिसकी बुद्धि का नेतृत्व स्वयं पुरुषोत्तम बुद्धि स्वरूप शिव स्वयंभू होकर कर रहे हैं। जिस ज्ञान गंगा नदी में पावन होने वाले देवताओं से स्वर्ग और पतित ही रह जाने वालों का नरक का सृजन होता है, इस परिवत्सर समय में माने सृष्टि चक्र के अमृत वेला के समय में। इस संगम युग को पुरुषोत्तम संगम युग कहा गया है, जब मनुष्यात्माएं पुरुष आत्मवान बनती हैं माने सोल कॉन्शियस बनती हैं। वे अपने देहभान को त्यागती हैं माने बॉडी कॉन्शियसनेस को त्यागती हैं। मनुष्य आत्माओं में पुरुषोत्तम या पुरुष व्याघ्र तो सूर्य, अर्जुन, धनंजय, विष्णु या जिष्णु है, जिसे रुद्र भी कहा गया है, माने जो उस ज्ञान जल या ज्ञान सागर में सदा विचरण करे। इस संगम को व्योम अथवा अंतरिक्ष माने अंतः ईक्ष कहा गया है,
जैसा कि गीता के इन श्लोकों में बताया गया है। इस 12वें श्लोक में दिए गए अंड का अन्य शब्द मृतंड अथवा मार्तांड या ब्रह्मांड की प्रकृष्ट कृति कैसे होती है, इसकी जानकारी के लिए एवं संपूर्ण गीता प्रमाणित व्याख्या के लिए श्रृंखला 1 की 10वीं कड़ी एवं विश्व प्रमाणों के लिए श्रृंखला 3 देखें। तर्कसंगत प्रवाह में व्यवस्थित किए गए सभी श्रृंखलाओं को और उनमें प्रस्तुत कड़ियों को संपूर्णतया समझने के लिए क्रमानुसार ही देखें।